देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है काइंड ऑफ सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस एग्जैक्टली? तो क्लॉज की संरचना के आधार पर तीन वाक्य हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, कंपाउंड संयुक्त और कॉम्प्लेक्स मिश्रित। सिंपल सेंटेंस में क्या है? सिंपल सेंटेंस वह वाक्य है जिसमें केवल फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? फाइनाइट वर्ब, जैसे आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स। मैं स्कूल जाता हूँ किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, फिर कंपाउंड सेंटेंस में क्या है? कंपाउंड सेंटेंस वह वाक्य है जिसमें कम से कम दो वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित ना हो, अर्थात दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड, यानी संयुक्त, दैट इज कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, कंपाउंड का मतलब क्या है? वह वाक्य जो कम से कम दो वाक्य हों और एक दूसरे पर आश्रित ना हो, अर्थात दो इंडिपेंडेंट। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो फाइनाइट वर्ब होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में सबॉर्डिनेट क्लॉज का होना या ना होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज का होना आवश्यक है। कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने अभी आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसमें कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जब दोनों लोग साथ साथ समान पदीय, मतलब दोनों का अगर हम एक सेंटेंस आगे से निकाल भी लेंगे तो हमारा दूसरे का काम चल जाएगा, तो दैट इज कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट का होना क्या है? आवश्यक है। बट इट्स नॉट एसेंशियल टू सबॉर्डिनेट, बिकॉज इन कंपाउंड सेंटेंस, सेंटेंस संयुक्त वाक्य में देयर इज नो नीड टू एड सबॉर्डिनेट, इट्स ओनली नीड टू कोऑर्डिनेट कंजक्शन। होना या ना होना, दैट इज होपफुली इट्स हैविंग अ पॉसिबिलिटी बट नॉट क्लियर। फिर है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह वाक्य है जो केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और से सब उपवाक्य क्या होते हैं? सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं। क्लियर हो गया आपको? यानी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो वाक्य होती है जिसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और से सब उप यानी सबॉर्डिनेट होती है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो मिश्रित उपवाक्य में क्या होता है कि मिश्रित उपवाक्य में पहला शब्द तो प्रिंसिपल होगा और दूसरा श्योर एंड सर्टेन है कि सबॉर्डिनेट होगा। अगर हम कंपेयर करें दोनों को, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपाउंड में मे बी सबॉर्डिनेट एंड मे बी कोऑर्डिनेट, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इट्स विल बी सबॉर्डिनेट। इट्स नॉट हैविंग एनी यू नो डाउट, इफ यू नॉट हैविंग एनी चांस टू गेट चेंज इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो टुडे आई जस्ट डिस्कस अबाउट हाउ मेनी सेंटेंस, आई जस्ट रिकॉल ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड इज कंपाउंड एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपका एक फाइनाइट वर्ब है, कंपाउंड में पहला फाइनाइट वर्ब है और दूसरा सबॉर्डिनेट भी हो सकता है और कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, लेकिन चांसेस किसके ज्यादा हैं? कोऑर्डिनेट के। और थर्ड जो है आपका कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित सेंटेंस, इसमें क्या है, आपका दूसरा वर्ड जो होगा वो सबॉर्डिनेट ही होगा और जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं उसी में आपके तीन क्लॉज हमने बताया, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। या आप पहले वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं कि क्या है बेसिकली, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ दीज टॉपिक्स। सो इट्स ओके फॉर टुडे एंड आई जस्ट वांट टू यू जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट टू गेट द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गेट सब्सक्राइब माई चैनल।